बधाई हो। क्या मतलब? आज सगाई है ना? सगाई? हाँ, उषा ने आपको बुलाया और आप आ गए। सगाई ही समझिए। मतलब क्या बोलूंगा, मैं तो आपके चिट्ठी देने आया था। और उषा देवी, मुझे सब चीजें पसंद नहीं है। कोई बात नहीं कर्नल साहब, लेकिन एहतियात जरूरी है। आज जो कुछ भी आपने बताया ये अच्छा नहीं हुआ। ऐसा वाकया फिर ना होने पाए, नहीं तो मेरा मतलब ये कि आप पूरा ख्याल रखें। अच्छा कर्नल साहब, मैं चलूं। बाय। कोई इलाज नहीं? अगर इलाज होता तो डॉक्टर क्यों जवाब देते? काश कि अपनी जिंदगी देकर भी मैं अपनी बच्ची की जान बचा सकता, लेकिन इंसान जो चाहता है वो नहीं होता। अब तो मेरी यही ख्वाहिश है कि वो जितने दिन भी जिए खुश रहे, उसके माथे पर शिकन ना आए, उसे कोई सदमा ना पहुंचे। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, अगर ऐसा ही फिर हुआ तो जितने दिन भी वो जी सकती है शायद उससे पहले ही। सुरेश, उषा की ये चंद दिनों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ है। मैं आपका मतलब नहीं समझा कर्नल साहब। मैं जानता हूं उषा तुम्हें चाहती है। तुम जब भी उसके साथ होते हो उसका चेहरा खिल उठता है, होठों पर मुस्कुराहट नाचने लगती है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। तुम भी तो ये जानते हो, लेकिन तुम्हारी तरफ से मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी। मैं अपना फर्ज और पोजीशन समझता हूं कर्नल साहब, और दूसरी बात यह है कि मैं प्यार मोहब्बत का कायल नहीं हूं। तुझे कायल होना पड़ेगा बेटा, उषा के लिए, मेरे लिए तुम्हें इतनी कुर्बानी देनी होगी। मैं ये नहीं कहता कि तुम उससे सच्ची मोहब्बत करो, भला ऐसी लड़की से कौन मोहब्बत करेगा जिसे जवानी में ही मौत की सजा दे दी गई हो। लेकिन तुम उसे मोहब्बत का फरेब दो, धोखा दो, झूठ बोलो, लेकिन उसे ये जाहिर ना होने दो कि तुम उसे नहीं चाहते। कर्नल साहब, मैं इसके लिए तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। 2, 5, 10 हजार रुपए माहवार देने को तैयार हूं। आप गलत समझे कर्नल साहब, मैं इतना नीच नहीं हूं कि नहीं देखा। फिर भी मैं सोच कर जवाब दूंगा। सोच लो, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उषा देवी, नाराज है? उषा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, लेकिन मैं कहीं कह सकता था। कर्नल साहब हमारी बातें सुन रहे थे और तुम्हारी सहेली के सामने मैं तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है। तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या कहूं? यही तो बात है, तुमने कुछ कहा नहीं और न मैं ही कुछ कह सका। लखनऊ की पार्टी में उस दिन मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं क्या कहना चाहती थी? मैं तुम्हें और मेरी लगन सच्ची थी, इसलिए तुम्हें खोकर भी फिर से पा लिया। सोचा कम से कम तुम्हें रोज देख तो सकूंगा, चाहे नौकर और मालिक का रिश्ता ही सही।
ऐसे क्यों कहते हो? सच जो है, इन दिनों हर घड़ी हर पल यही डर लगा रहता था कि ना जाने क्या कह दूं, क्या कर बैठूं। आखिर वही हुआ। क्या? कर्नल सर से कहना ही पड़ा। पिताजी से? क्या कहा उन्होंने? तकदीर मुस्कुरा दी, अब तुम ही मुस्कुरा दो उषा। बहुत खुश हो उषा। बेटी,